मैम से थ्री टी वो फॉर शफक मैम बेस्ट मार्क्स चाहिए सो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर शफक मैम बिकॉज जो शफक मैम कराते हैं वैसा आई थिंक कोई भी नहीं कराते मतलब अगर देखो तुम्हारी इंग्लिश तभी बेटर हो पाती है जब बेस्ट इंग्लिश टीचर मिले 93 मार्क्स मिले हैं आपकी वजह से आई अश्योर यू ऑल गाइस दैट इफ यू लर्न बाय शफक मैम यू विल स्कोर 95 ऑन इन इंग्लिश लाइव लेक्चर से मैराथन वीडियोस देखिए वन शॉट देखिए उसमें कोई भी आपको नेगेटिव कमेंट देखने नहीं मिलेगा सारे बच्चों को ईमान में शफक मैम जैसा कोई नहीं पढ़ता है She is teaching us even the toughest topics in such a good and easy way that I never thought I would understand. I was very poor in English, but she helped me a lot. वो ऐसा कुछ यूनिक क्या करना है वो मैम ने शफक मैम ने बताया that is in the writing skills. उनके जो वन शॉट लेक्चर्स थे वो तो मेरे लिए काफी हेल्पफुल थे. It becomes so easy for me to understand each and every. मैम ने बहुत एक्सप्लेनेशन किया है ए टू जेड लाइन बाय लाइन पूरी बुक ही मैंने मैम से पढ़ी हम लाइन वाइज सबका मीनिंग क्लियर करते हुए चलते हैं गौरी एंड इस साल के जो 12th बोर्ड हुए थे उसमें मैंने इंग्लिश सब्जेक्ट पूरा का पूरा शफक मैम के लेक्चर से ही प्रिपेयर किया था तरीके से पढ़ाती है कि स्टूडेंट्स के माइंड में एक भी डाउट नहीं रहता गेम की तरह इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाया और 12th बोर्ड एग्जाम का जो सिलेबस था वो टोटली आपने कवर किया जहाँ उस लेक्चर को आपने बहुत दिल से पढ़ाया मुझे उस बात का बहुत अच्छा लगा शफक मैम इज द बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड क्लास था होने की वजह से मैंने शफक मैम से मैडम से ही बेसिक किया जूनियर को यही एडवाइस देना चाहता हूँ कि भाई आप जिम करके फॉलोअप करो मैम को बताओ देनी सेकंड थॉट मुश्किल थी कि मेरे मार्क्स इंग्लिश में कभी ज़्यादा नहीं आएंगे क्योंकि मैं उर्दू मीडियम से पढ़ी थी बट लेकिन मेरे मार्क्स बहुत ही अच्छे आए हैं वो भी सिर्फ शफक मैम की वजह से आप लोग में जितने भी जूनियर्स हैं अपकमिंग जूनियर्स उन सबको मैं यही सजेस्ट करूँगी कि अगर इंग्लिश पढ़ना है तो शफक मैम से पढ़ना वरना पढ़ना ही मत को इंग्लिश सीखना हो ट्वेल्थ में तो शफक मैम से ज़रूर सीखिए जरूर ज्वाइन करो आपको बहुत हेल्प होगा और मैम बहुत अच्छे से पढ़ाती है मैराथन महा मैराथन क्वेश्चन बैंक सॉल्विंग प्रेजेंटेशन नॉवेल्स राइटिंग स्किल ग्रामर एवरीथिंग आपने हमें पेपर से पहले क्लियर किए हमारे डाउट्स क्लियर किए अगर आपको इंग्लिश सीखना हो तो आप सिर्फ शफक मैम से सीखो ऐसा मैं कहूँगी क्योंकि मैम की जो पढ़ाने की स्टाइल है वो बहुत यूनिक है अंडर हर मैराथन्स लाइव लेक्चर्स अप्रिसिएशन पोएम चैप्टर ऑल द नोट्स ऑफ ड्रामा एवरीथिंग विल हेल्प यू और सबसे पहले मैंने उन्हीं का देखा था और उसमें बहुत बच्चे लाइव थे और उस वक्त मैम ने नॉवल पढ़ाए थे और मैंने नॉवल को सबसे अच्छा पढ़ा था और स्किल और ग्रामर ये सब भी मैम ने बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ाए थे मैंने उनके गाइडेंस को रिलीजियसली फॉलो किया मुझे बहुत अच्छा लगता है जब वो बीच बीच में जोक मारते हैं बीच बीच में वर्ड प्ले करते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है मुझे बोर्ड एग्जाम में 90.83% मिले इसका क्रेडिट मैं पूरी तरह से शफक मैम को मैं मैम से पढ़ा एंड मैम ने एक ही वीडियो में ऐसा मुझे पढ़ा दिया कि मैं इतना अट्रैक्ट हो गया बिकॉज इनका अंडरस्टैंडिंग स्किल्स इतना बेस्ट है एंड मैम मैं इतना फ़ैन हो गया हूँ लाइफ में कभी ऐसी इमेजिन नहीं किया था कि कोई ऐसे भी इंग्लिश पढ़ा सकता है चले जाओ शपथ मान के पास ना आपको हर चीज़ का सोल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे मैं रोज़ रात के 9 बजे हमारी लेक्चर्स हुआ करते थे तो मैं रोज़ राह देखती थी कि कब 9 बजेंगे और कब शपथ मैम आएंगे हमें पढ़ाएंगे 11th एंड 12th टाइप लेने की वजह से मैं लैंग्वेजेस पे ध्यान नहीं दे पाती थी बाकी सब सब्जेक्ट्स कोचिंग और ट्यूशन से हो जाते थे एंड शी यूज टू कवर ऑल आवर पॉइंट्स एंड ऑल आवर डाउट्स तो आई वुड हाईली रिकमेंड अगर आप इंग्लिश के लिए कोई क्लासेस देख रहे हो तो शफक मैम से बेस्ट कोई क्लासेस नहीं हो सकती शी इज़ द बेस्ट टीचर ना मस्त पढ़ाया कि मैं कॉलेज में फर्स्ट आ गई थी जब वो प्राइज में थी तभी वो उन्होंने टॉप किया था तो आई थिंक जब हम ऐसे बंदे से ऐसे टीचर से सीखते हैं जो कि खुद एक टॉपर हो चुका है तो आई थिंक हमारी भी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि हमारा भी ऊपर वाला ही रैंक आए हेल्थ इशू की वजह से 11th स्किप करके मैंने 12th प्राइवेट दी थी आई जस्ट वॉन्ट टू थैंक यू मैम आपका पढ़ाने का तरीका बेस्ट है हर चीज़ एकदम आसानी से समझ आ जाती है उनके लेक्चर्स इतने क्लियर होते हैं इतने अंडरस्टेबल होते हैं कि हर बच्चे का डाउट क्लियर हो सकता है उसे रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है वो समझ जाएगा कि वो जो क्वेश्चन उसे सॉल्व कैसे करना है सपन मैम से पढ़ा तो मुझे 93.80% आए इंग्लिश में की वजह
से बहुत ही अच्छे मार्क्स स्कोर करता है। मैम पूरा बेसिक से लेके एडवांस तक पढ़ाती है, सो मैम की वजह से मेरा बहुत अच्छा मार्क्स। एवरी एफर्ट शी हैज टेकन फॉर ऑल ऑफ अस, फॉर ऑल द एचएससी स्टूडेंट। पीपीटी के थ्रू हमको विजुअलाइज कराया था लास्ट ईयर। सो हिंदी में, इंग्लिश में, डीप मीनिंग में समझाएंगी मैम, नॉवेल्स को भी शॉर्ट्स में पढ़ाएंगी, फिर भी अच्छे से डीप में जाके पढ़ाएंगी और ऐसा पढ़ाएंगी जो अपने दिमाग में पूरा बैठ गया। शफक मैम का नाम सुनते एकदम फुल खुशी खुशी हो गए। एक्सपीरियंस डोंट आस्क शेफ्स किस। ओके, मैं चाहूँगी कि आप शफक मैम का लेक्चर अटेंड कीजिएगा। आप एक बार अटेंड करोगे तो आपको लगेगा यार वाह कितना अच्छा है, हमें तो ये पहले पता होना चाहिए था। शफक मैम She is brilliant. I have no words for her. अगर आपको इंग्लिश की प्रिपरेशन करना है तो मैं एक ही नाम कहना चाहूंगा सफाकनेस में। अगर आपने सफाकनेस मैम को ज्वाइन किया तो मैं ये गारंटी ले सकता हूँ कि आप 90 प्लस मार्क्स लेंगे। फॉर्म बोलते 17 नंबर का फॉर्म भर के प्राइवेट एग्जाम दियो। आई एम अ हाउस वाइफ बट फिर भी मेरा बहुत अच्छा परसेंटेज रहा है। आपके से टीचर्स मिलना बहुत मुश्किल होता है, आप एज अ फ्रेंड पढ़ाते हो वही आपका बेस्ट कॉन्टेंट है। रियली लाइक आई हैड सो टू यू मैम, अगर आपका एक टीचर इतना अपने आपकी पढ़ाई के प्रति इतना पैशनेट है तो कहीं ना कहीं ये स्टूडेंट को इंस्पायर करता है कि एक स्टूडेंट भी अपना दी बेस्ट दे। मुझे सबसे ज़्यादा मार्क्स इंग्लिश में आए हैं क्योंकि मैंने शफक मैम के वीडियो देखे बहुत सारे। नहीं था आज तक इतने अच्छे से हमें मिल पाएगा, इतना इजीली हम उसे समझ पाएंगे, वो आपने हमें समझा दिया था। ऑन द डे ऑफ द रिजल्ट व्हेन आई सॉ द मार्क्स ऑफ इंग्लिश आई वाज क्राइंग आउट ऑफ जॉय।